आज का थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि राजा और सेनापति इन दोनों के गठजोड़ से ही आप बड़े से बड़ा युद्ध, बड़े से बड़ी लड़ाई जीत सकते हो। आपका महामंत्री अच्छा हो तो आपको सलाह अच्छी देगा, आपका सेनापति अच्छा हो यानी कि आपका ये होम मिनिस्टर अच्छा हो तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रह को संभाल लेगा। आपका रक्षा मंत्री अच्छा हो यानी कि सेनापति अच्छा हो तो वो देश को सुरक्षित रख लेगा, देश की सीमाओं को। और राजा अगर अच्छा हो यानी कि प्रधानमंत्री तो फिर तो कहना ही क्या। तो इसलिए हमारे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा, आपको ये विशेष रूप से समझाने की कोशिश करूँगा कि सूर्य और मंगल ने की जो परम दोस्ती का इन्होंने हाथ मिलाया है, इससे किस प्रकार से खौफ में है इनके दुश्मन यानी कि इनके शत्रु ग्रह, और पांच राशियों के कैसे किस्मत सोना उगलेगी। कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से महान नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से महान तभी हो सकता है जब उसके अंदर संस्कार अच्छे हों, जब उसके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो, जब उसके कर्म अच्छे हों, तो ही व्यक्ति अपने आचरण से महान बन सकता है, क्योंकि जन्म से तो कोई भी महान नहीं बन के आता। दोस्तों, अगर आपने कर्म अच्छे करे तो आपके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं आएगा। अगर आपने अच्छा आचरण रखा तो आपके जीवन में आप कुछ समय के लिए परेशान जरूर हो सकते हो पर हताश नहीं हो पाओगे। मैं विशेष रूप से आज जिन पांच राशियों पर दृष्टि डालूंगा उसमें से एक राशि रहेगी एवरेज फलदायी और बाकी की राशियां आपके लिए रहेंगी काफ़ी एक्सीलेंट श्रेणी में, जिनके लिए फल बहुत ही महत्व रखने वाला रहेगा। अब यह जो योग है इस अक्टूबर के महीने में भी रहेगा, नवंबर में भी रहेगा 2022 में, और दिसंबर में भी ये फल रहेगा। अब सबसे पहले नंबर पर मैं जिस राशि के बारे में ही चर्चा करूंगा वो स्वयं राजा की है, सिंह। सिंह राशि के जो मित्र हैं, ग्रह हैं, वो गुरु और मंगल होते हैं, और मंगल ग्रह इस समय विशेष रूप से सेना, पुलिस, बेल्ट, अग्नि से संबंधित कार्य, ईंट भट्टे का काम, कारोबार, इन सभी चीज़ों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके कर्म भाव पर बैठे हैं। इस घर में बैठ करके केंद्र कोण राजयोग बना करके बैठे हैं और सिंह राशि के ऊपर सीधा सीधा दृष्टि से प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसे में काम सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में आपका सम्मान भी बढ़ेगा, जॉब में कुछ नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, कार्य की सिद्धि भी होगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और आप मन से भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। और जो लोग हॉस्पिटैलिटी लाइन में हैं उनको भी विशेष फल प्राप्त होगा, आपकी ओर स्वतः लोग आकर्षित होंगे, खींचेंगे, ऐसा योग आपकी पत्रिका के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सिंह राशि के बारे में मैंने चर्चा करी जो कि एक्सीलेंट श्रेणी का फल रहेगा। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक। आपकी जो गोचरीय स्थिति रहेगी इसके स्वामी ही मंगल है और मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं। मंगल के पास है आपका मान सम्मान और सूर्य के पास है आपका कैरियर, कर्म, और ये दोनों के दोनों ग्रह एक दूसरे को काफ़ी सहयोग प्रदान कर रहे हैं अभी गोचर में, आगे भी करते रहेंगे, आपको प्रॉफिट देंगे, आपको विदेशों से लाभ देंगे और आपके आजीविका के जो साधन हैं उनमें बढ़ोतरी का कार्य करेंगे, आपकी राज्य में प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे, आपके यश को बढ़ाएंगे, ऐसी भूमिका में मुझे मंगल दिखाई देते हैं यानी कि वृश्चिक राशि दिखाई देती है। सूर्यदेव से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको जो आएगा वो बड़े और व्यापक स्तर पर आएगा, ऐसी कुंडली दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर थोड़ा सा दुर्घटना के योग भी बनेंगे
इसलिए गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाएं, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो भी इनके मित्र की ही है, धनु। आपकी जो गोचरीय स्थिति रहेगी दोस्तों, उसके अनुसार बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर तो सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन तो आपको अब आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे ही रहा है। इसके अलावा जो विशेष कृपा रहेगी सूर्य की, वो है आपके जॉब पर, चाहे आप प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, या आप बड़े व्यापारी हैं या आप बड़े अधिकारी हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। और साथ में यदि कोई पुलिस केस मुकदमा से संबंधित आप पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो उसमें भी एक आपको बड़ा मेजर रिलीफ पत्री अनुसार बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसलिए धनु एक पॉजिटिव सिनेरियो में मुझे दिखाई पड़ती पड़ रही है। नेक्स्ट राशि है मकर। आपकी जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, या फिर जितने भी विद्यार्थी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। ईंट भट्टे का कारोबार करते हैं, बहुत अच्छा है। और सूर्य देव आपके भाग्य को चमकाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं, वो कहेंगे कि मुझसे आप सुंदर भाग्य ले लीजिए। और जिन लोगों को पैरों से संबंधित पीड़ा चल रही है, उसमें भी एक रिलीफ मिलेगा। शनि, मंगल और सूर्य, शुक्र और बुध, ये जो पांच प्लैनेट हैं एक दूसरे से नवपंचम होने से आपके लिए शुभ साइन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो आपकी स्थिति मकर की अच्छी है, पर जो ऊपर मैंने अभी तीन राशियों का जिक्र किया उसके कंपैरेटिवली ये एवरेज रहेगी, ये मैं कहूँगा। नेक्स्ट राशि है मीन। आपकी गोचरीय स्थिति बहुत अच्छी और पावरफुल दिखाई देती है, क्योंकि आपको एक तो शनि की दिव्य दृष्टि वाला जो एपिसोड है उसका भी गेन मिलेगा। आप आई बटन में देख लेना, एंड स्क्रीन जो आती है बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, इसमें आपके लिए ही वीडियो रखी गई हैं, संभाल करके आप इन्हें सुनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर मीन के जातकों को जो अच्छा खासा गेन होगा, वो एक तो हो रहा है आपके साहस पराक्रम के दृष्टिकोण से, जो धोखे चीटिंग आपके साथ हो रही थी, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। और दूसरा आपको विशेष लाभ मिलेगा दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, जो कलह कलेश चल रहे थे उसमें एक मेजर रिलीफ यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और वैसे जो पॉलिटिकल लोग हैं इनको तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव गेन कुंडली में नज़र आ रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो ये है आपकी ग्रह स्थिति। अब यहाँ पर आपको जो सावधान रहना है सूर्य और मंगल को, अब एक मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ इसलिए भी आप लोगों को जाना नहीं है। अब समझ लीजिए, सबसे पहले मैंने सिंह राशि की बात करी थी। सिंह वालों, आपको जो सावधान रहना है अभी वो शनि से रहना है, यानी कि उन लोगों से सावधान रहना है जो चापलूस ज़्यादा होते हैं, मीठे ज़्यादा होते हैं, या आपसे नीचे के तबके से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखना है, सिंह राशि का है। अब बात करूँगा वृश्चिक की। आपको सावधान रहना है दोस्तों विशेष रूप से उन लोगों से जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिनका स्वभाव बहुत ज़्यादा चंचल है, और जो आपके मुंह पे कुछ कहते हैं पीछे से कुछ कहते हैं, और जिनकी राशि विशेष रूप से मिथुन या कन्या हो, ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। अब आपसे बात करूँगा धनु राशि की, जो नेक्स्ट नंबर पर है। उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आप ध्यान रखना एक तुला राशि के दर्शकों से, ये आपको अहित कर सकते हैं, ये आपके साथ दुश्मनी निभा सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब मकर राशि की बात करूँगा, आपको विशेष रूप से सिंह राशि से ध्यान रखना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। पर इसमें सिंह राशि से मतलब ये है कि शनि की सूर्य के साथ शत्रुता है, इस वजह से आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा, ये मैं कहूँगा। और जितने भी मीन के जातक हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ
कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वृषभ राशि के दोस्तों से, जातकों से। दोस्तों मैं लुधियाना, जलंधर, अमृतसर में अवेलेबल रहूँगा इस अक्टूबर महीने में। आप कुंडली बनवाने दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।